नमस्कार, मैं हूं निखिल लहरी। आप देख रहे हैं मिथ मीडिया एंटरटेनमेंट। चलिए शुरुआत करते हैं खेल जगत से जुड़ी पांच बड़ी खबरों की। एमसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष माइक गेटिंग का कहना है कि आईसीसी 2028 लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट को शामिल करवाना चाहती है। रवि शास्त्री को इंडियन क्रिकेट टीम के कोच के पद के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। बता दें कि ये चयन रवि शास्त्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी करेगी। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के महासचिव हेरोइन मोय चैटर्जी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि डेविस कप खेलने के लिए इंडियन टीम पाकिस्तान जाएगी। बता दें कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाले इस मैच की सुरक्षा की जिम्मेदारी ITF लेगी। बार्सिलोना ने अपने अमेरिकी टूर का अंत कर दिया है। बता दें कि ये अंत एक बड़ी जीत के साथ हुआ। बार्सिलोना ने अपनी जीत हासिल की है इटली के क्लब नेपोली को हराने के बाद। बता दें कि ये मैच दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्टेडियम में खेला गया था। अब बात प्रो कबड्डी लीग की। यूपी के योद्धाओं ने बेंगलुरु बुल्स को हरा दिया। बता दें कि बेंगलुरु के सहरावत ने 12 रेड अंक के साथ शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन डिफेंस में टीम अच्छा नहीं कर पाई और यूपी के योद्धाओं ने इस मैच को 35-33 से जीत लिया। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।